हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं आशीष कुमार आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अंडर 247 जीआईएम के एक और बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सेशन में। तो बच्चों, लास्ट सेशन अगर आपने लास्ट वीडियो वॉच किया होगा तो डेफिनेटली आपको पता है कि हम लोग पहले कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन सी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देन इसके बाद स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम सीखने वाले हैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की मेथड। राइट, आप देख सकते हैं स्क्वायर्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने प्रीवियस वीडियोस को कम्प्लीटली वॉच किया है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिए। 1 to 1000 तक किसी भी नंबर का सिंगल एक ट्रिक आपको कैलकुलेट करने के लिए, स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी नंबर के लिए आपको एक ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्वायर रूट। ओके, यूनिट डिजिट 5 भी बता चुका हूं, बट ध्यान दीजिएगा आज के सेशन में हम परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के तरीकों पे बात। परफेक्ट स्क्वायर, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने से पहले स्क्वायर्स का नेचर थोड़ा सा समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर्स का नेचर पहले समझ लेते हैं, देन इसके बाद फिर हम स्क्वायर रूट पे आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ बच्चों 1 का स्क्वायर, आप कहेंगे सर 1 होगा। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, सर दिस इज 4। स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर ऑफ 7 49। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। देन इसके बाद मैं अपने आप को हटा लेता हूं और देखिए ध्यान से, यहां पे 8 का स्क्वायर 64। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोग को नहीं पता है, ऐसा कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं। बच्चे, मैं आपको थोड़ा सा इसमें कुछ नया पॉइंट, कुछ नई चीज सिखाना चाहता हूं, तो सभी लोग ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, कौन कौन से नए पॉइंट्स हैं, नई चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम ये कहेंगे कि बच्चों स्क्वायर से ये जो है केवल किसी नंबर्स के स्क्वायर नहीं लिखे हैं, ये केवल स्क्वायर्स नहीं लिखे हैं, स्क्वायर के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा चीज है जो आपको मैं यहीं पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके दिखाता हूं। क्या ऑब्जर्व करने वाली बात है इसमें, ध्यान से देखिए। इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों, हम ये कहेंगे दुनिया का कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस पे 1 होगा, स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। दुनिया का कोई भी नंबर आप सोच के देखिए, 12 का स्क्वायर 144, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। 22 का स्क्वायर 484, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। 32 का स्क्वायर 1024, यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है। तो दुनिया का कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 है, स्क्वायर करने पे 4 आएगा। अगर 3 है तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 है तो क्या आएगा, 6। 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 है तो 9, 8 है तो 4 और 9 है तो 1 एंड 0 है तो 0। तो हम ये कहेंगे कि जितने भी डिजिट्स होते हैं वो 0 to 9 ही होते हैं। डिजिट्स केवल 10 होते हैं, 10 डिजिट्स होते हैं 0 to 9। ठीक है, तो कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0 है, स्क्वायर करने पे 0 आएगा, ये हमने समझा। तो अभी जो आप राइट साइड में देख पा रहे हो, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 6 4 9 1 0, ये सभी हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट। परफेक्ट स्क्वायर के अगर ये यूनिट डिजिट्स हैं, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे केवल यही डिजिट्स आ सकते हैं। ओनली जब यही डिजिट्स आ सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डिजिट्स नहीं आ सकते हैं, फिर उनके बारे में और बात करेंगे। तो सर यहाँ पे हमें 1 तो दिख रहा है लेकिन 2 दिख नहीं रहा है, फिर उसके बाद 3 भी नहीं दिख रहा है, तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 2 3 और एक्स्ट्रा कुछ और है उनको भी बताते हैं। फिर देखिए 4 दिख रहा है, हाँ सर ये देखिए 4 दिख गया हमें। फिर उसके बाद 5, हाँ ये दिख रहा है। 6 दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। लेकिन 7 दिख रहा है क्या, नहीं सर 7 नहीं दिख रहा है। इसके बाद मैं बोलूं बच्चों 8 दिख रहा है क्या आपको, 8 दिखाई दे रहा है।
आप कहेंगे सर 8 भी नहीं दिख रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 कभी भी नहीं हो सकते हैं। किसी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होंगे। अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 मिलता है, मतलब वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन से डिजिट्स आ सकते हैं, यूनिट डिजिट पे कौन कौन से डिजिट्स हो सकते हैं, तो उन डिजिट्स में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। आप कहेंगे सर 1 तो हमें यहां भी दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे ऊपर में भी दिख रहा है और यहाँ लास्ट में भी दिख रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1 दो बार हमें दिखेगा। कब दिखेगा? या तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 1 रहा हो या तो 9 रहा हो, क्लियर है। फिर इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 सर हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, या तो नंबर का यूनिट डिजिट 2 रहा हो या तो 8 रहा हो, ठीक है, या तो 2 रहा हो या तो 8 रहा हो। इसके बाद 9 कब कब दिख रहा है? 9 दिख रहा है हमें 3 एंड 7, 9 दिख रहा है 3 एंड 7। फिर इसके बाद 6 कब कब दिख रहा है? तो 6 दिख रहा है बच्चों 4 एंड 6, 6 दिख रहा है 4 एंड 6, और 5 केवल और केवल 5 के केस में दिख रहा है और कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने आपको सिखाने की कोशिश की बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन हैं, किस चीज से रिलेटेड हैं, ये हैं अपने परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। अब इसके बाद इसके बाद और क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं वो रिटन फॉर्मेट में आपको मैं दिखा देता हूं। यही जो मैसेज अभी समझाया आपको, परफेक्ट स्क्वायर पे आपको 1 हो सकता है, 1 कब कब आएगा, 1 एंड 9 के केस में 4 आ सकता है, 2 एंड 8 के केस में 6 आ सकता है, किसके किसके केस में बच्चों, 6 एंड 4 के केस में, एंड 9 आ सकता है 3 एंड 7 के केस में, 5 आ सकता है 5 के केस में। जीरो का कॉन्सेप्ट, जीरो की कहानी मैं आप लोगों को एक अलग से कॉन्सेप्ट बना करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो चलिए जीरो की कहानी भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जीरो की बातें भी कर लेते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चलने वाली हैं आज के इस सेशन में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि 10 के स्क्वायर की बात करें, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 10, आप कहेंगे सर 100, ओके। मैं आपसे कहूं 100 का स्क्वायर कितना होगा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 100, आप कहेंगे सर 10,000। अगर मैं आपसे कहूं 1000 का स्क्वायर कितना होगा, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगी 6, ठीक, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि अगर आप सिंगल जीरो रखते हैं, एक जीरो भी रखते हैं, तो स्क्वायर करने पे 2 जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो रखते हैं तो 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, आप 3 रखते हैं तो 6 आ रहे हैं, मतलब कभी भी स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो ऑड नहीं हो सकते, वो हमेशा इवन होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, हमेशा और हमेशा इवन होंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोज अगर इवन होंगे तो इससे क्या कंक्लूड करना चाहता हूं मैं, क्या चीज आपको समझाना चाहता हूं वो देखिए। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, सबसे पहला सवाल आप लोग खुद से सोचते चलिएगा, समझते चलिएगा, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उनके आंसर आप देते चलिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 2500 एक परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे हाँ सर है। अच्छा, तो चलो इसको थोड़ा सा ब्रेक करें और इसके पीछे की कहानी समझें। सर इसको हम 25 × 100 लिख सकते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है। एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 कंडीशन, एक कंडीशन, पहली कंडीशन ये है जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत जरूरी है। पहली चीज, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। दूसरा, जो नंबर ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, नंबर ऑफ जीरो चाहे मल्टीप्लाई हो रहे हो चाहे डिवाइड हो रहे हो, दोनों ही केस में नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, वो हमेशा और हमेशा क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, जीरो के केस में परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अच्छा, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि क्या 7500 परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे सर 7500 को 75 × 100 हम लिखेंगे,
75 इंटू 100 रखेंगे तो 100 तो ठीक है लेकिन 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 7500 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर मैं आपसे कहूं कि 3240 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो चलिए सर ब्रेक करके चेक करते हैं। तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं 324 इंटू 10, तो 324 ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन नंबर ऑफ जीरोज ऑड है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हुआ उसी तरह से डिवीजन में भी होगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि बताइएगा क्या 6.25 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, 6.25 परफेक्ट स्क्वायर है। आपका जवाब होगा सर 625 को हम इसको लिख सकते हैं 6.25 को 625 अपॉन 100 सर 625 परफेक्ट स्क्वायर भी है और नंबर ऑफ जीरो इवन भी है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा एक और एग्जांपल ले, अगर मान लीजिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं 1.024 आप कहोगे सर 1024 ठीक है, आप कहोगे सर 1024 डिवाइडेड बाय 1000 ठीक है, 1024 डिवाइडेड बाय 1000 1024 तो परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 1000 परफेक्ट स्क्वायर सॉरी नंबर ऑफ जीरो जो है ऑड है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों केस में उम्मीद करता हूं बच्चों आपको परफेक्ट स्क्वायर से जीरो का केस समझ में आया होगा आप सभी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं, अब इसके बाद ये चीजें मैंने आपको सिखा दी, अब हम एक एग्जैक्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं और उसका स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो स्क्वायर रूट जो है एक बेसिक मेथड, मतलब कुछ देर तक तो सेम मेथड रहते हैं, उसके बाद दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो चलिए मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। सबसे पहले 7744 आपको इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए बच्चों, खुद से ट्राई कर लीजिए, देन इसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन जो मैं करके दिखाऊंगा उसको देखिएगा। सबसे पहले 7744 हम मान के चलेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है। जब भी आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर में क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम चांस है कि वो क्या होगा, 90% चांस है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा भी तो उसका एक अलग तरीका है, हालांकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी निकालना मैं आपको आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है सर, यूनिट डिजिट पे दिख रहा है 4। अगर यूनिट डिजिट पे 4 दिख रहा है मतलब किसी भी नंबर के, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 4 कब कब आ सकता है, उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 रहा हो या तो 8 रहा हो, उस नंबर का यूनिट डिजिट या तो 2 रहा हो या तो 8 रहा हो। इसके बाद हम क्या कर देते हैं उसके लास्ट के 2 डिजिट्स, ठीक है। जो भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं बच्चे, यूनिट डिजिट हमने पहचान लिया 2 या 8, उसके बाद उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को हम ड्रॉप कर देंगे। लास्ट के 2 डिजिट को 44 को ड्रॉप कर दिया, यानी 44 को अलग कर दिया, 44 को अलग कर दिए तो बचा क्या हमारे पास में 77, ठीक है। ये 77 का इससे छोटा स्मॉलर नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 77 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा, 77 से परफेक्ट स्क्वायर छोटा कौन सा होगा सर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, सर 81 ज्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, इसलिए 77 का भी स्क्वायर रूट कितना एज्यूम कर लेंगे रख लेंगे 8 रख लेंगे, अप्रोक्सीमेट 77 का भी स्क्वायर रूट हम कितना रख लेंगे 8, भले ही वो 81 के ज्यादा पास है लेकिन 9 नहीं रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, उससे कम ही लेना है, तो 8 रख देंगे यहां पे 82, 8 रख देंगे यहां पे 88। तो हमारे सामने दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 82 और 88, हमें पता करना है हमारा आंसर 82 होगा कि 88 होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये नियरेस्ट स्क्वायर आया है स्क्वायर रूट, इसको इसके अगले नंबर 9 से मल्टीप्लाई, 8 को अगले नंबर 9 से मल्टीप्लाई किए कितना आया बच्चों, ये आ गया 72। अब हम क्या कर देते हैं, ये जो हमने नियरेस्ट स्क्वायर रूट जिसका निकाला था या कि ड्रॉप करने के बाद जो बात जो बचा हुआ था उसको हमने रख लिया बॉक्स में 77 को, और मल्टीप्लिकेशन वाला जो मटेरियल, मल्टीप्लिकेशन के बाद वाला जो मटेरियल मिला है उसको भी रख लेते हैं बगल में। अब देखना है कि बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर या स्मॉलर,
आप खुद से अपने आप से पूछिए बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर है कि स्मॉलर है। सर बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर है, अगर बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर तो इन दोनों में से 82 और 88 में से जो ग्रेटर वो हमारा आंसर, अगर बॉक्स वाला नंबर स्मॉलर तो इन दोनों में से छोटा वाला हमारा आंसर होता है। एक बार वापस रिपीट करता हूं और वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं। एक बार वापस रिपीट करता हूं, 7744 का हमें बच्चों स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, उसका यूनिट डिजिट 4 को आइडेंटिफाई किया, और 4 परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 4 कब कब आ सकता है आपको मैं दिखा देता हूं। एक बार परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे 4 आ सकता है या तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 2 रहा हो या तो 8 रहा हो, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और हमने कहा यूनिट डिजिट पे या तो 2 या तो 8 होगा, या तो 2 या तो 8 होगा बच्चों। तो हमने क्या किया, 2 और 8 को पहचानने के बाद, 2 और 8 को पहचानने के बाद हमने क्या किया, लास्ट के दो डिजिट 44 को छोड़ दिया, बच गया 77। तो जितना भी बचेगा, चाहे 3 डिजिट नंबर बचे चाहे 2 डिजिट नंबर बचे, आप क्या करेंगे उसका नियरेस्ट स्क्वायर रूट उससे छोटा वाला कैलकुलेट करेंगे। 77 से छोटा नियरेस्ट स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 64। 64 का स्क्वायर रूट 8, इसलिए 77 का भी स्क्वायर रूट क्या कहलाएगा, कितना हम कहेंगे 8 कहेंगे, और उसी 8 को 2 के सामने भी रख दिए और वही 8 को 8 के सामने भी रख दिए, हमें दो नंबर मिल गए 82 और 88। हमें पहचानना है कि हमारा आंसर 82 होगा कि 88 होगा। इसके लिए हमने क्या किया, जो ड्रॉप करने के बाद नंबर बचा था 77 उसको लेकर के आए इसमें रखे एक बॉक्स में, और 8 जो नियरेस्ट स्क्वायर रूट आया था उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई किए 9 से, कितना आया 72। बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर इसलिए हमारा आंसर ग्रेटर वाला हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी को समझ में आया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और क्वेश्चन बना करके देखते हैं कैसे। देखिएगा 17689, तो परफेक्ट स्क्वायर पे क्या यूनिट डिजिट, परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट पे क्या दिख रहा है बच्चों, 9 दिख रहा है। अगर 9 दिख रहा है मतलब उसके यूनिट डिजिट या तो 3 रहा होगा या तो 7 रहा होगा। 3 और 7 को पहचानने के बाद हमेशा हमें लास्ट के दो डिजिट को ड्रॉप, लास्ट के दो डिजिट को ड्रॉप कर दिया, हमने क्या बचा 176। तो हम कैलकुलेट करेंगे नियरेस्ट स्क्वायर रूट, नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 176 इक्वल्स टू, सर 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों 13, इसलिए 176 का भी हम क्या मान लेंगे 13 मान। अब 13 को हमने यहां पे रखा और 13 को हमने यहां पे रखा, तो सर दो नंबर हमें दिखने लगे 133 एंड 137, यही पहचानना कि इन दोनों में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, 133 होगा कि 137 होगा। इसके लिए वही सेम तरीका, 176 को जो बच गया था उसको ले आएंगे और रखेंगे एक बॉक्स में। 176 जो है किसमें, एक बॉक्स में है, ध्यान से देखना बच्चों, 176 एक बॉक्स में रख लिया हमने, 176 को हमने रख लिया किसमें, एक बॉक्स में। एक मिनट, 176 को हमने रख लिया बॉक्स में। अब इसके बाद क्या करना है, 13 को उसके अगले नंबर 14 से मल्टीप्लाई करना है। 13 × 14 करोगे बच्चों, तो ट्रिक वही है, 13 × 10 = 130, 13 × 4 = 52, 13 × 10 = 130, 13 × 4 = 52, 130 और 52 = 182, 182 आ गया बच्चों, तो 182 को यहाँ पे रखे। अब बताओ बॉक्स वाला नंबर ग्रेटर है कि स्मॉलर है, तो सर बॉक्स वाला नंबर छोटा है, स्मॉलर है, इसलिए इन दोनों में से छोटा 133 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों को समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल बनाए, एक और क्वेश्चन बनाए, आ जाओ देखते हैं एक और क्वेश्चन 15625। अच्छा इस मेथड का एक एक्सेप्शन भी होता है बच्चों, इस मेथड का एक एक्सेप्शन भी है, आप लोग करके देख लीजिएगा, अंडर रूट ऑफ 1296, इसका स्क्वायर रूट होता है 36, जो कि इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाता है, तो याद करके रख लीजिए 36 का स्क्वायर 1296, ठीक है। इसके बाद जब यूनिट डिजिट पे 5 आता है तो क्या चेंज होता है, यूनिट डिजिट पे अगर यहाँ पे 5 है बच्चों तो हम कहेंगे डेफिनेटली उस नंबर के यूनिट डिजिट पे भी क्या रहा होगा, 5 ही रहा, 5 के केस में कोई चेंज तो है नहीं, देख लीजिए। बाकी सब में दो दो नंबर मिलते हैं लेकिन 5 के केस में एक सिंगल मिलता है, 5 के केस में जब एक सिंगल मिलता है तो हम क्या करेंगे, लास्ट के दो डिजिट ड्रॉप, लास्ट के दो डिजिट ड्रॉप किए क्या बचा 156,
अब हम निकालेंगे नियरेस्ट स्क्वायर रूट। तो नियरेस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 156, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 ज्यादा हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, तो हम क्या रख लेंगे 12। तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 125, ये करेक्ट आंसर। खत्म, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर है। तो 5 वाले केस में कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, बस इतने में ही आंसर आ गया। एक बार रिपीट कर दूं आपको ऐसा ना लगे कि सर क्या हो गया, 5 था 5 आ गया, 156 बचा, 156 का स्क्वायर रूट निकाले 12 आया, 12 को रख दिया, यही आंसर है 125। ठीक, कुछ क्वेश्चंस ये हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करिए, सभी क्वेश्चंस एक तरफ से सॉल्व करिए, देन इसके बाद जो आंसर देखेंगे उन आंसर्स को आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, 1 2 5 4 1 2 5 4 प्रैक्टिस करिए बच्चों सभी लोग, और ये देख लीजिए ये आंसर्स आएंगे, आप लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बात करने चलते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, क्यूब्स के बारे में। क्यूब्स निकालने की ट्रिक्स भी होती हैं, बट वो ट्रिक थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव होती है। एक एग्जांपल करके मैं बता दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपको लगता है, बट स्टिल उसके अलावा कुछ क्यूब्स हैं, कुछ क्यूब्स हैं बच्चों जो आपको याद कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेने हैं। आप देख सकते हैं 1 क्यूब 1 to 20 तक, और कुछ हैं जो कि सीआई जैसे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उनको भी याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, और मैं अभी थोड़ी देर में उनको नोट डाउन भी कर दूंगा आपके लिए। देखिएगा कौन कौन से नहीं लिखे हैं, 1 to 20 तक तो हो गया, 21 का क्यूब होता है बच्चों, ये याद कर लेना है, सीआई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ मेंसुरेशन के जब आप क्वेश्चन एसएससी वाले बच्चे बनाते हैं तो वहां पर रेडियस अगर 21 आ गया, या सॉरी मान लीजिए कि बोल दिया एक क्यूब है, एक घन है, उसकी साइड 21 है, तो क्यूब निकालना पड़ जाएगा, घन निकालना, क्यूब निकालना पड़ जाएगा, वो वाले क्यूब, मैं सेप क्यूब की बात कर रहा हूं और ये क्यूब अलग है। ठीक है, तो 21 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 926। ठीक है, ये जरूरी है। फिर इसके बाद में 25 का क्यूब, आपने जो स्क्वायर रूट निकाला था 125 आया था, वो यही है। 25 का क्यूब होता है 15625, एंड 26 का क्यूब होता है बच्चों 17576, 27 का क्यूब होता है बच्चों 1968। तो इतने क्यूब्स आपको क्या कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, बहुत जरूरी है, हर जगह आपको काम आएंगे। बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनको नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा काम आएगा, एसएससी वाले बच्चों को मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए याद करके रख लीजिए। बाकी सिंप्लीफिकेशन में तो है ही इसका। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें अगर, तो थोड़ा सा मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बता देता हूँ क्यूब्स निकाल कर, है ना, एक किसी भी नंबर का क्यूब निकाल करके आप लोग को हिंट कर देता हूं, तो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। जस्ट मिनट, ठीक है। सो मान लीजिए आपको कोई कहता है, मैं एक एग्जांपल करके बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिए। आपको कोई कहता है व्हाट इज द क्यूब ऑफ 78, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, आपको खुद से ट्राई करना है, नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में बताना है, नहीं बनेगा कमेंट सेक्शन में बताना है। तो 78 का क्यूब, जिस तरह से स्क्वायर्स की ट्रिक हमने सीखी थी बच्चों, वही क्यूब की ट्रिक है, देखिएगा ध्यान से। हमने स्क्वायर्स में अलग अलग डिजिट्स करते थे, 7 का स्क्वायर लेते थे, 8 का स्क्वायर, तो यहां पे क्यूब लेंगे। 7 का क्यूब कितना सर, 343। 8 का क्यूब कितना सर, 512। 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, वही सेम। वहां पे 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके ट्वाइस करते थे, यहाँ पे थ्राइस, और एक्स्ट्रा जो कैलकुलेशन हो जाता है वो 78 इसमें और मल्टीप्लाई, यही है जो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में ज्यादा समय ले लेगा। ये मल्टीप्लीकेशन निकाल दो बच्चों और फिर इसके साथ ऐड कर दो। आपको पता है एडिशन में इस प्लेस पे कुछ नहीं रखते, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा रख के ऐड कर दो आंसर। समझ आया, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, 78 का क्यूब निकालना है तो 7 का क्यूब निकालो 343, 8 का क्यूब निकालो 512, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके थ्राइस कर दो, और उसमें 78 मल्टीप्लिकेशन जो भी प्रोडक्ट है ये आएगा, जो भी गुणनफल आएगा उसको 2 के सामने कुछ मत रखना, बाकी पीछे में रख करके ऐड कर दो जैसे स्क्वायर्स में करते थे, बस आपके पास में आंसर। तो ये है बच्चों क्यूब्स कैलकुलेट करने की मेथड, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है,
चलो अब हम चलते हैं फटाफट और बात करते हैं किसके बारे में, अब हम चलते हैं और बात करते हैं क्यूब रूट। एक्चुअली में स्क्वायर रूट से कई गुना आसान है क्यूब रूट, स्क्वायर रूट से कई गुना आसान है क्यूब रूट। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व, तो स्क्वायर रूट की तरह क्यूब में भी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे स्क्वायर्स में हमने कुछ कुछ देखे थे ऑब्जर्वेशंस, उसी तरह से क्यूब्स में भी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 512 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एंड 9 का क्यूब कितना है 729, एंड 10 का क्यूब 1000। अगर यहाँ पे आप गौर से देखते हैं बच्चों तो आपको देखने को मिलता है कि सर परफेक्ट क्यूब के यूनिट डिजिट पे सभी डिजिट्स आपको दिखेंगे, 1 भी दिखेगा 2 भी दिखेगा 3 भी दिखेगा। देख लो सभी लोग जानते सर 1 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 9 भी दिख रहा है, 0 भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ है एक्स्ट्रा सर, 1 जो है ना, 1 अगर है तो यूनिट डिजिट पे 1 ही है, कोई चेंज नहीं। 2 है तो 8 हो गया, 3 है तो 7 हो गया, 4 में कोई चेंज नहीं, 5 में कोई चेंज नहीं, 6 में कोई चेंज नहीं, 7 है तो 3 हो गया, 8 है तो 2 हो गया, 9 में कोई चेंज नहीं, 0 में कोई चेंज। चेंज केवल 2 में हो रहा है, अगर 2 है तो 8 हो जा रहा है, 8 है तो 2 हो जा रहा है, 3 है तो 7 हो जा रहा है, 7 है तो 3 हो जा रहा है, बस इतना सा ही चेंज हो रहा है, इससे ज्यादा कोई चेंज नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे बात करें, आगे नेक्स्ट, तो एक क्यूब रूट निकाल के देख लेते हैं। हालांकि अभी ये क्यूब मैंने याद करने को आपको दिया था, 3 दिख रहा है तो 3 के केस में चेंज हो जाएगा किसमें, 7 में। स्क्वायर रूट में हमने 2 डिजिट छोड़े थे, क्यूब रूट में हम 3 डिजिट छोड़ देंगे, और फिर से वही तरीका, नियरेस्ट क्यूब निकालेंगे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, मतलब ये हमारा क्यूब रूट जो है 27 करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर। नेक्स्ट अगला बात करें, एक और क्यूब रूट निकालें, 238, 328, यूनिट डिजिट पे 8 दिख रहा है, क्या रखेंगे 2, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे 238, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा तो 6 का क्यूब 216 होता है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा बच्चों 6, तो आंसर आ गया 62। तो क्यूब रूट आप समझ रहे होंगे सर, क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट से कई गुना आसान है, हम सबको बहुत इजी लग रहा है, आप सभी को लग ही रहा होगा डेफिनेटली, उम्मीद करता हूं। तो चलिए एक एग्जांपल और बना लेते हैं, 3 है तो लास्ट में क्या आ जाएगा 7, और लास्ट के 2 डिजिट छोड़ेंगे तो 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 97 इज द राइट, 10000 ज्यादा हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 का क्यूब हो जाएगा। इसके बाद में ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद में आंसर्स लिखे हुए हैं, इन आंसर्स के साथ मैच। तो आज के लिए, अभी के लिए इस सेशन में इतना ही बच्चों, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट में। फिर मुलाकात होगी अगले आगे और सेशन में, तो अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।